अगर आपका प्लांट भी ऐसा हो गया है, टहनियाँ बिल्कुल सूखी सूखी नज़र आ रही हैं, प्लांट्स ऐसा लग रहा है जैसे मरने को है, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, टहनियाँ सूख के गिर रही हैं, तो आपको एक संजीवनी बूटी मैं बताऊंगी जिसको आप इसमें डाल देंगे तो मरा हुआ जेड प्लांट भी जिंदा हो जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए ये वाला मेरा प्लांट देखिए, काफ़ी दिनों पहले ये बिल्कुल ही इतना घना हो चुका था, इसमें जो बीच की टहनियाँ हैं वो दिख भी नहीं रही थी। और एक वीडियो में मैंने ये दिखाया भी था, जब मैंने गमलों को सजाया था, DIY किया था, तब उसके ऊपर मैंने ये प्लांट रखा था। इसकी जो टहनियाँ हैं अब सूखती नज़र आ रही हैं और टूट के गिर भी रही हैं, पत्तियाँ तो नज़र ही नहीं आ रही हैं, बिल्कुल ही सूखा हो गया है, यानी ये जो मेरा प्लांट है ये मरने की कगार पे है। और ये प्लांट है ये भी पता नहीं इसको क्या हो गया, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसकी भी टहनियाँ टूट के गिर रही हैं, पत्ती तो बिल्कुल खाली होता नज़र आ रहा है। अगर आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो उसकी वजह मैं बताऊंगी। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ डालनी है जो संजीवनी का काम करेगी, बिल्कुल ही सस्ती आती है, मार्केट से भी लेके आते हैं या सभी के घर में वो मौजूद होती है। देखिए उसको कैसे देना है वो मैं बताने वाली हूँ। ये जो जेड प्लांट है इसमें मैंने मॉर्निंग में पानी नहीं डाला है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कॉफ़ी पाउडर, ये हर घर के किचन में मौजूद होता है। अगर किसी के पास नहीं है तो मार्केट में ये 2 रुपये का पाउच मिल जाता है। अब इसको देना है हमें संजीवनी बना के, कितना देना है, कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है वो आप जान लो। गमले के अकॉर्डिंग हम इसको देंगे। देखिए मैं इस कॉफ़ी पाउडर को पहले चम्मच में निकाल रही हूँ और ये जो मेरा प्लांट है आप सामने देख रहे हो इसमें मेरे को देना है, और दूसरा वाला जो है उसमें भी मैं इसको डालूंगी। देखिए मैंने इतना पाउडर लेना है, लेकिन इतना आपको नहीं डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है, इसमें से आपको सिर्फ एक चुटकी पाउडर लेना है। देखिए मैं एक चुटकी पाउडर लूँगी और वो मैं, मेरे पास एक गिलास है उसके अंदर डाल लूँगी। देखिए ये वाला, इसमें मैं एक चुटकी पाउडर डालूँगी और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। देखिए इतना लेना है और अब इस गिलास को पूरा पानी से भर देंगे। एक तरीका तो ये है, अगर आपको एक गमले में डालना है या फिर आपको एक पाउच घोलना है तो आप 1 लीटर पानी ले, यानी 1 लीटर की बोतल ले ले, उसमें पानी भर ले और पूरा पाउच उसमें डाल दे और लिक्विड फॉर्म में ऐसे बनाए। देखिए ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा ये हमारे जेड प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ाएगा। अगर आपका प्लांट सूख चुका है, मरने की कगार पे, यानी मरे हुए जेड प्लांट को भी ये जिंदा कर देता है। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, ये जो हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है और हमारे प्लांट्स की जड़ों को मजबूत करता है। अगर आपके प्लांट्स पे कोई कीड़े वगैरह फंगस का अटैक है तो इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं। देखिए मैं जेड प्लांट में इसको डाल रही हूँ और डालने का तरीका यही है कि आपको डायरेक्ट बिल्कुल प्लांट्स के ऊपर यानी तना में नहीं डालना है, बिल्कुल साइड साइड में डालना है। और डालने से पहले आप गुड़ाई ज़रूर करें फ्रेंड्स। मेरी तो ये मिट्टी जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट थी, मैंने सुबह ही इसको ऐसे थोड़ी सी गुड़ाई की थी। और इस प्लांट्स में देखिए ऐसे मैं पिंच करूँगी तो ये और घना हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसको पिंच करेंगे, देखिए ये ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रून करते रहेंगे तो जेड प्लांट आपका घना होता जाएगा। अब ये जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला है इसको आप 15 दिन में ज़रूर दें, और गर्मियों में तो इसको देते ही रहना चाहिए फ्रेंड्स। 15 दिन में ये फर्टिलाइज़र आप बना के दें जेड प्लांट में। देखिए वैसे तो ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, कोई भी फ्लावर वाला प्लांट हो उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कोई किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, जैसे हमारे केले के छिलके भी डाल सकते हैं, इसमें सूखी हुई चाय पत्ती भी मिला सकते हैं और इसमें चाक पाउडर भी मिला सकते हैं। तीनों चारों को मिला के भी आप जेड प्लांट में दे सकते हैं और भी पावरफुल फर्टिलाइज़र बनेगा। देखिए चाक अगर इसमें डालेंगे तो कैल्शियम की मात्रा पूरी होएगी और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होएगी, पत्तियां बिल्कुल हरी हो जाएंगी। और अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मेरा लेगिसा है, काफ़ी घना था, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगी जिसमें ये प्लांट्स आप देखना, इतना घना बन गया था। और मेरी एक फ्रेंड है उसने तो कॉमेंट भी किया था कि बहुत ही प्यारा आपने दिल शेप में यानी हार्ट शेप में ये प्लांट बनाया है। फ्रेंड्स दूसरा कारण जो है ये है ओवर वाटरिंग। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है और प्लांट्स के अंदर छेद नहीं है,
यानी देखिए ऐसे होल नहीं बनाए हुए हैं तो भी आपका प्लांट्स जो है बिल्कुल लैगी सा हो जाता है, पत्तियां गिराने लगता है, सूख जाता है, मरने की कगार पे हो जाता है। एक कारण तो ये है, देखिए इसमें छोटे छोटे छेद हैं, थोड़े से छेद मैं और बड़े कर दूंगी। फ्रेंड्स एक कॉमेंट आया था एक सर का कि आपने इसमें छेद में पत्थर लगाने थे। फ्रेंड्स पत्थर लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़े छेद हैं तो आप पत्थर वगैरह लगा सकते हैं, और अगर छोटे छेद हैं जैसे मैं ये छोटे छोटे बना लेती हूँ तो इसमें ज़्यादा मिट्टी बाहर नहीं निकलती है। थोड़ा बहुत जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो प्लांट्स की रूट से होके ही निकलता है, तो प्लांट्स को तो पोषक तत्व मिल ही जाते हैं। बाकी अगर छेद बड़े बड़े हैं तो आप पत्थर लगाए, कोई कपड़ा भी नीचे बिछा के मिट्टी भर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, लेकिन इसमें मैं शाम को डालूँगी ये अपना हार्ट शेप वाला, क्योंकि इसमें अभी पानी मैंने दिया ही है तो ये ज़्यादा गीला है। ज़्यादा अगर पानी हो प्लांट्स के अंदर यानी मिट्टी गीली हो तो आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, जब आपकी मिट्टी सूख जाए तब ही आपको फर्टिलाइज़र देना है। और देखिए एक रीज़न तो मैंने बताया ही था आपको, अगर ज़्यादा रूट्स वगैरह ज़्यादा हो जाएं, अगर प्लांट्स ऐसे रिपोर्टिंग की अवस्था में आ जाए, रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाए, तब भी प्लांट्स ऐसा सूखा हो जाता है, ग्रोथ नहीं करता है, पत्तियां गिराता है। तो इसको मैंने कल रिपोर्ट किया था, ये दो पिकॉक हैं, काफ़ी घने हो गए थे और रूट्स काफ़ी फैल गई थी, तो इनको मैंने रिपोर्ट करके दिखाया है आपको कल। कैसे रिपोर्ट किया है और क्या रीज़न मैंने बताए हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं, आप वो भी ज़रूर देखना। तो ऐसे पत्तियां गिरा के हमारा प्लांट सूखता नज़र आता है तो उसमें ये ज़रूर डालें। और एक मेन कारण और भी है फ्रेंड्स, अगर आपने प्लांट्स छाया में रख दिया है तो आपका प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल मुरझा जाएंगी और टहनियाँ जो हैं बिल्कुल ही ऐसी हो जाएंगी जैसे इसमें जान ही ना हो, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है। तो इस प्लांट को धूप में रखना बेहद ही ज़रूरी है, 2 या 3 घंटे की धूप आप ज़रूर लगाएं। और ये जो प्लांट है ये सैकुलेंट वैरायटी का है फ्रेंड्स, इसमें पानी भी कम देना होता है। धूप में इसको रखें आप, पानी कम दें तो आपका प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेगा, मरेगा नहीं। देखिए ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है कॉफ़ी पाउडर का, ये आप हर प्लांट्स में दे सकते हैं, फूल वाले में, कोई भी इंडोर प्लांट में 15 दिन में आप देते रहें। ठंडा भी होता है, गर्मियों का बेस्ट फर्टिलाइज़र, यानी ये हर प्लांट्स के लिए संजीवनी का काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स कटिंग लगाने के लिए आप जून की गर्मी हो, चाहे आप मई की गर्मी लगा लो, चाहे नौतपा हो उसमें भी आप जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। इतनी छोटी सी कटिंग मिट्टी में गाड़ दें बिना ही एलोवेरा जेल लगाए या रूटिंग हार्मोन्स के, ये आपकी 7 दिन के अंदर लग जाएगी। तो ये जेड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।